अच्छा जी, आज क्रियू बेसिक वन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी होल। बहुत छोटा सा एक कमांड है, बड़ी सिंपल सी, लेकिन ये जितनी देखने में और इस्तेमाल करने में एक सिंपल लगती है, इसका काम उतना ही शार्प और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यहां पे होल से मुराद आम जुबान में होल किसको कहते हैं? सुराख को। कहने लगे मोरी नु सुराख को कहते हैं होल। खुला हो गया, हो गया खुला, गैप, वो होल और सीज होता है, वो डब्ल्यू एच ओ एल होता है, एच ओ एल ही होल होता है। अच्छा, ये हमारी कमांड यहां पे नजर आ रही होगी, हाइड है, इसका मतलब ये कौन सी कमांड है? डिपेंडेंट कमांड है। उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई एक फीचर ऐड करना है, तो एक एक्सट्रूड यहाँ पे हम ऐड करते हैं। एक एक्सट्रूड मैंने ऐड किया और अब मुझे यहाँ पे दो सुराख करने हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फिर एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ पे उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे और रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास होल की जो कमांड है, मैं इसको एक्टिव करता हूं। अब यहां पे ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। नंबर एक, जैसे जैसे इस पे सर्कल कर्सर आएगा, क्रिएट सिंपल होल, उसके साथ आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा है कि नीचे से फ्लैट है, नजर आ रहा है? एक बिल्कुल नीचे से फ्लैट है सीधा, जैसे हम एक्सट्रूड के साथ करते हैं। उसके साथ आगे कह रहा है जी क्रिएट स्टैंडर्ड होल। अब इसमें आपको चूड़ी डली नजर आ रही होगी, पेच बना होगा। नेक्स्ट आ रहा है, वो कह रहा है जी यूज प्री डिफाइंड रेक्टेंगल एज ड्रिल होल प्रोफाइल। अब यहां पे वो कह रहा है कि जी आपने होल के साथ अगर थ्रेड शो करनी है रेक्टेंगुलर, तो वो डिफाइन कर लें। यहां पे वो कह रहा है जी होल की प्रोफाइल, अगर ड्रिल की प्रोफाइल ड्रा करनी है तो वो कर लें। ये बोला जैसे किसी चीज में चूड़ी डली होती है, तो जब हम उसको देख रहे हैं साइड से, होल हिडन नजर आ रहा है, हिडन लाइन में आएगा ना, तो उसकी चूड़ी भी तो है। दो एज बनते हैं, एक चूड़ी का आगे वाला एज, एक चूड़ी का पीछे वाला एज, दो लाइन आएंगी हिडन की इधर, दो आएंगी इधर। अगर सादा होल होगा तो कैसे आएगी हिडन लाइन? एक लाइन इधर, एक इधर, चूड़ी होगी तो दो इधर दो इधर, क्योंकि चूड़ी का किनारा भी तो आएगा ना साथ। तो ये उसके लिए है, चूड़ी के लिए, कि स्टेट पे चूड़ी कैसे डाल दी है, कैसे डली हुई नजर आए और यहां पे डली हुई नजर आए। हम अभी सिंपल होल यूज कर रहे हैं, मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया सरफेस पे कहीं भी, ये मेरा होल उसने मुझे बना बनाया दे दिया। इस होल को कितना डाया देना है, ये डाया आ रहा है उड़का, कितना सुराख करना, ये इसकी लेंथ आ रही है, ये वाली के होल कितना लंबा होल कितना करना है। हाँ, एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहां मर्जी, लेकिन मैं, ये तो फ्री स्टाइल हो गया ना, कहीं भी उठा के रख लो। मैं चाह रहा हूं कि मेरा यहां से इस फेस से मेरा होल हो 100 मिलीमीटर इधर, इस फेस से भी 100 उधर हो एग्जैक्ट। यहां पे तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं, दो ग्रीन है, चार, दो ग्रीन और दो वाइट है, एक वाइट तो इसकी प्लेसमेंट का है जिसको मैं उठा के ला रहा हूं, एक है इसके डाय का, एक नीचे है तीसरा वाइट जो इसकी लेंथ का है, ये दो ग्रीन पॉइंट्स भी हैं, ये बेसिकली इसका एक्स वाई है। मैं अगर इस ग्रीन पॉइंट को उठा के इस फेस पे आता हूं, देखो फेस हाईलाइट हुआ, इस पे छोड़ देता हूं, उसने सिलेक्शन कर ली। इसी तरह ये वाला ग्रीन उठा के इधर लेके आता हूं यहां पे, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है, यहां पे छोड़ देता हूं। अब यहां से मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको 100 कर देता हूं, 100 उधर हो गया,
फिर डबल क्लिक करता हूँ, 100 इधर हो गया। होल मुझे चाहिए 70 mm का, थ्रू चाहिए तो थ्रू कर लो, लेंथ चाहिए तो मुझे यहाँ पे जितनी भी इसकी लेंथ चाहिए मैं 30 लेंथ कर, ये लेंथ हो गई, ओके कर दी। एक्सट्रूड से हाँ, जैसे मैं एक्सट्रूड लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूंगा, उसकी डायमेंशन बताऊंगा, फिर सर्कल करूंगा, सेट करूंगा, फिर ओके करूंगा, फिर यहाँ पे उसकी डेप्थ दूंगा। दोनों ने सेम काम किया। जल्दी कौन सा हुआ? होल वाला। अगेन मैं इस पे होल करता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको, अभी देखो ये रहा होल किया था अंदर से सीधा, इसका मतलब ये कटर के साथ होल हुआ है। अगर ड्रिल के साथ करोगे तो किस तरह की शेप होगी? ड्रिल की जो अगर नोक होती है वो बनेगी कि नहीं? अंदर बनेगी। मैं इसको 30 ही करता हूँ, अगेन उसी तरह सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ ड्रिल पे, जैसे ड्रिल पे करूंगा अंदर देखो नोक बन गई उसकी, ड्रिल की नोक बना दी। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू करके इस तरह देखता हूँ हिडन लाइन में, फर्क नजर आया दोनों का? ये स्ट्रेट था, ये ड्रिल की चैन बना दी, ये उसने टिप बना दी ड्रिल की, ये बोला नीचे से हाइट बराबर है। यहाँ से मैयर होती है ड्रिल की भी, यहाँ से नहीं होती, शोल्डर से होती है। ये टिप है, ये शोल्डर है हमेशा ड्रिल का, शोल्डर टू शोल्डर। हाँ यहाँ से ये शोल्डर वाली, मतलब मुझे ये वाला साइज है ना, ये वाला, ये मेरा एक्यूरेट साइज है। अगर मैंने कहा ना डीप 30 mm डीप जाओ तो ये 30 mm डीप है, ये 30 mm नहीं है। हाँ टिप आ गए जो 118 डिग्री होती है इसकी। सर अगर हम इसके बैकअप से लगाएंगे, ये अपर फ्लो है ना, बैकअप लगाएंगे, अगर हमने इसके बैकअप इसकी नोक तक लगाना हो तो वो फिर वो चीज बुरी नहीं लगेगी? क्या मतलब? हम तेरा सवाल नहीं समझ आया। अगेन मैं यहाँ पे होल करता हूँ, अब एक और तरीके से करता हूं, ये प्लेसमेंट कर दी मैंने, ये ड्रिल पे कर दिया, अब ये देखो साइड पे करते हैं ताकि ठीक से नजर आए। ये हो रहा है, ये वाला होल हो रहा है। मैं इसके अंदर थ्रेड ऐड कर दी मैंने। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कितने का होल है, ये उसकी चूड़ी बता रहा कितने का होल करना है, ये बता रहा सर। मैंने 35 तक किया, 30 तक किया ड्रिल, और ये चूड़ी साथ डाल दी 25 तक। अब ये देखना, अब देखो डबल लाइन नजर आई है। अब वो कह रहा है कि जी ये आपका ड्रिल आ रहा है ये वाला, और ये जो ब्लू वाली आ रही है ये थ्रेड है चूड़ी की आ रही है, ये चूड़ी आ रही है साथ साथ नजर, यहाँ पे नहीं नजर आएगी, जस्ट उसने चूड़ी का आपको बताया है। तो चूड़ी नहीं नजर आएगी? नहीं चूड़ी नहीं नजर आएगी, चूड़ी का सर फ्रेम नजर आएगा। वो तो नेक्स्ट कमांड जब आएंगे आपको तब होगा उस पर चूड़ी कैसे बनती है। यहाँ पे सिर्फ वो आपको हिडन लाइन में दिखा रहा है, बता रहा है कि ये ड्रिल का साइज और चूड़ी यहाँ पे करके आ रही है। हाँ एक व्यू दे रहा आपको, ओके